सरायकेला खरसावा जिले के राजनगर प्रखंड में 5 दिनों तक मनाए जाने वाला सोहराय पर्व कुछ जगहों पर गोट माड़ा के साथ शुरू हो गया। मंगलवार को सूर्य ग्रहण की वजह से प्रखंड के कुछ इलाकों में बुधवार को गोट माड़ा की जाएगी। रोड़ा एवं भुरसा गांव में पूर्णिमा के दिन गोट माड़ा हुई। सोहराय संताल आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण पर्व है। सोहराय पर्व के अवसर पर लोग अपने पालतू पशुओं को नदी नाला या तालाबों में अच्छे से नहलाते हैं। पशुओं को नहाने के बाद ग्रामीण गांव के एक छोर के नायके द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद मुर्गा की बलि भी दी जाती है। पूजा अर्चना के बाद बलि दिए गए मुर्गे की खिचड़ी पकाते हैं। खिचड़ी को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके बाद नायके जिस जगह पर पूजा करते हैं उस जगह पर मुर्गी का अंडा रखा जाता है। इसके पश्चात गांव के सभी पालतू पशुओं को उस रास्ते से दौड़ाया जाता है जहां जहां अंडा रखा होता है। पूजा स्थल पर रखा अंडा जिस पालतू पशु के पैर से फूटता है उसे भाग्यशाली मानते हुए उसकी पूजा की जाती है। शाम होते ही सभी अपने पालतू पशुओं के को तेल लगाते हैं। महिलाएं सूप में अरवा चावल धूप घास एवं दिया बत्ती से मवेशियों की आरती भी उतारती है। रात को पुरुष वर्ग ढिगवानी करते हैं। ढिगवानी में ढोल नगाड़े बजाकर गाय बैलों का जागरण किया जाता है। दूसरे दिन भी सभी अपने पालतू पशुओं को नहलाते हैं। इसी दिन गोहाल पूजा की जाती है। गोहाल पूजा में अलग अलग घरों में अलग अलग पूजा की जाती है। शाम के समय सभी अपने अपने घर के मुख्य द्वार पर अल्पना लिखकर उस पर घास रखा जाता है ताकि घास खाते हुए मवेशी घर में प्रवेश करे। दूसरे दिन भी पहले दिन की तरह शाम के समय मवेशियों की आरती उतारकर पूजा की जाती है। रात को ढोल नगाड़ा बजाकर गाय बैलों का जागरण किया जाता है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।